क्या आप लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज करते हैं और आपके कंप्यूटर डेस्कटॉप या लैपटॉप की स्पीड बहुत ही स्लो है या फिर हैंग करता है, तो आइए देखते हैं कुछ ट्रिक्स जिससे आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी और परफॉर्मेंस सही हो जाएगा। मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर ज्ञान में। तो आज का हमारा पहला ट्रिक है डिलीट द टेम्पररी फाइल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सारी जो टेम्पररी फाइल्स हैं उनको डिलीट करते हैं। तो आइए देखते हैं उन टेम्पररी फाइल को आप कैसे डिलीट करते हैं। आप डेस्कटॉप पे जाइए, देन उसके बाद से आप की प्रेस करिए विंडो प्लस आर, विंडो और आर एक साथ प्रेस करिए तो रन मोड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए परसेंटेज टेम्प परसेंटेज अगेन, यहाँ पे आपको क्या टाइप करना है परसेंटेज टेम्प परसेंट, एंटर प्रेस करिए कीबोर्ड पे। यहाँ पे बहुत सारी फाइल्स होगी, इनको आप डिलीट करिए। कंट्रोल ए से मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करिए माउस, देन डिलीट बटन पे जाइए, डिलीट पे क्लिक करिए, ये परमिशन मांगेगा तो कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करना हमें तो ये सारी फाइलें डिलीट कर देगा। कुछ फाइल डिलीट नहीं होंगी, उनको आप स्किप कर दीजिए, तो आप यहाँ पे स्किप पे क्लिक कर दीजिए। तो सारी फाइलें डिलीट हो रही हैं। उसके बाद से आपने एक टेम्प फाइल डिलीट कर दी एक फोल्डर से, दूसरा अगेन आप प्रेस करिए विंडो प्लस आर, विंडो और आर एक साथ प्रेस करिए, फिर यहाँ पर टाइप करिए टेम्प। तब टेम्प करेंगे तो एक टेम्प फोल्डर ओपन होगा, इसमें कुछ फाइल्स होंगी। मेरे सिस्टम में फाइल नहीं है क्योंकि मैंने क्लीन कर रखा है, तो उसको वही सेम आपको डिलीट करना है। कंट्रोल ए और डिलीट कर दिए सारी फाइलें। फिर तीसरा होता है अगेन आप प्रेस करिए विंडो प्लस आर, यहाँ पे टाइप करिए प्रीफेच PREFETCH प्रीफेच, एंटर प्रेस करिए, यहाँ पे कुछ फाइल्स ओपन होंगी, एक फोल्डर ओपन होगा उसमें सारा आप सिलेक्ट करिए। कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर मैंने कर लिया, फिर डिलीट पे क्लिक कर दीजिए। उसका से कुछ फाइलें नहीं होंगी, उनको अगेन आप स्किप कर दीजिए। तो ये आपने देखा कि कैसे टेम्पररी फाइल्स डिलीट करते हैं। तो तीन तरह से हमने डिलीट करेंगे, तीन फोल्डर से डिलीट किया, परसेंटेज टेम्प परसेंटेज, देन टेम्प फोल्डर, देन हमने डिलीट किया प्रीफेच फोल्डर। तो आज की हमारी दूसरी ट्रिक है, उसके लिए आप क्या करेंगे, अनइंस्टॉल द अनयूज प्रोग्राम। कोई भी सॉफ्टवेयर आपका यूज नहीं है उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए। आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टाइप करिए विंडो आर कर सर्च में जाइए, विंडो प्रेस करके आप सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए कंट्रोल पैनल, आप कंट्रोल पैनल पर क्लिक करिए, उसके बाद जाइए प्रोग्राम्स में, क्लिक करिए अनइंस्टॉल प्रोग्राम, इस पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पे जाके आप रेंडर करिए, एक एक देखिए कौन से आपके यूज का प्रोग्राम नहीं है। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं कि हमने 6 महीने पहले यूज था हमारा, फिर हमने उसको एक बार इंस्टॉल किया, फिर उसको दोबारा हमने अनइंस्टॉल नहीं किया। तो वैसी चीजें आप सर्च करिए, यहाँ पे सारे जो अनयूज प्रोग्राम है सॉफ्टवेयर से उनको अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो इससे भी आपकी परफॉर्मेंस, आपके सेशन परफॉर्मेंस बहुत बहुत बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे करना होगा सारे आपके सर्च के लिए जो जो अनयूज्ड हो, जो आपको यूज करना हो उसको आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टेप है क्लीन अप द डिस्क। इसमें हम क्या करते हैं, जाके आप सी ड्राइव को क्लीन अप करते हैं। आइए देखते हैं उसको कैसे करते हैं। आप जाइए आपके माई कंप्यूटर होगा या फिर डिस्क पीसी होगा, अगर विंडो 10 यूज कर रहे हैं उसमें जाइए सी ड्राइव पे जाइए, सी ड्राइव को सेलेक्ट करिए, फिर राइट क्लिक करिए, फिर सी ड्राइव पे प्रॉपर्टीज में जाइए, प्रॉपर्टीज पे क्लिक करिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा होगा डिस्क क्लीन अप, इस पर आप क्लिक करिए तो ये आपका डिस्क क्लीन करेगा और सारी चीजें जो अनयूज्ड फाइल है उसको डिलीट कर देगा। तो इसमें आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए नीचे, आपको फिर अगेन ये बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको क्या करना है क्लीन अप सिस्टम फाइल, इस पर आप क्लिक करिए। जितने भी अनयूज्ड फाइलें थी जो सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो कर रही थी, आपका जिसको जैसे लैपटॉप स्लो चला था उसको डिलीट कर देगा। अब ये कैलकुलेट कर रहा है फिर उसको से डिलीट कर देगा ये। दिस में टेक अ फ्यू मिनट टू कंप्लीट इट। अब फिर ये पॉपअप ओपन होगा, ये विंडो ओपन होगी, इस पर आप क्लिक कर दीजिए, ओके कर दीजिए।
डिलीट फाइल, ये आपको सब परमिशन लेगा। आर यू श्योर टू डिलीट दिस टेम्पररी फाइल, तो आप डिलीट फाइल पर क्लिक कर दीजिए तो ये सारी फाइलें आप डिलीट कर देगा। फिर ओके पर क्लिक कर दीजिए। तो आज का हमारा चौथा पॉइंट है सिस्टम परफॉर्मेंस। हम सिस्टम परफॉर्मेंस को कैसे चेंज करेंगे, आइए देखते हैं। तो आप जाइए विंडो में, वहाँ पे सर्च करिए कंट्रोल, कंट्रोल पैनल में ओपन करिए। कंट्रोल पैनल में ओपन करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो आप सिस्टम होगा, सिस्टम पर क्लिक करिए। फिर एडवांस सिस्टम सेटिंग होगा, उस पर क्लिक करिए। इसके बाद आप देखेंगे एडवांस में फर्स्ट वाला है परफॉर्मेंस, उस पर आप क्लिक करिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो बाई डिफॉल्ट आपका सिलेक्ट होता है फर्स्ट वाला, लेट विंडो डिसाइड द बेस्ट कंप्यूटर परफॉर्मेंस। अब उसमें क्या करिए, आप थर्ड वाले पे क्लिक करिए, एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस, अप्लाई पे क्लिक करिए, देन ओके पे क्लिक करिए, देन ओके पे क्लिक करिए, फिर कंट्रोल करना पड़ता है। आज का हमारा पांचवा स्टेप है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, टास्क मैनेजर ओपन करिए। तो अब जाकर टास्क बार पे राइट क्लिक करके यहाँ पे देखेंगे तो आप टास्क मैनेजर है, इस पर क्लिक करिए, ये ओपन हो जाएगा। इसमें आप जाइए स्टार्टअप टैब में, स्टार्टअप पे क्लिक करिए। तो यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जो प्रोग्राम स्टार्ट होते ही आपको विंडो स्टार्ट होते ही ये सारे स्टार्ट हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे जाके रेंडर करिए, एक एक चीज को देखिए कि कौन कौन चीज रिक्वायर्ड है और कौन कौन सी चीजें नहीं रिक्वायर्ड है। तो इसमें सजेशन ये होता है कि एंटीवायरस, विंडो रिलेटेड प्रोग्राम उनको आप डिसेबल मत करिए। जैसे मान लो कि मैं ये देख रहा हूँ थर्ड नंबर पे क्रोमियम है, ये मुझे नहीं चाहिए, तो इसको आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। तो उसे आप जो जो भी चीजें हैं जो आपको नहीं चाहिए उनको आप डिसेबल कर सकते हो। जैसे मान लो कि मुझे ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है, ये मुझे मेरा कस्टम इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है, तो मैं इसको डिसेबल कर दूंगा। तो ऐसे आप भी जाके यहाँ पे सारे रेंडर करिए और डिसेबल कर दीजिए। तो ये आप चार पांच ट्रिक्स थी जिसको आप करने के बाद एक बार लैपटॉप या डेस्कटॉप को रिस्टार्ट करिए तो आपका डेफिनेटली आपके लैपटॉप का या डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ट्राई करिएगा, कोई इश्यू हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, कोई